हाँ जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रहरा और मेरे साथ मेरे बहुत प्यारे दोस्त सैफ भाई हैं, और ये मेरा पीछे कज़न है फैसलाबाद से आया हुआ, इसका नाम अली है। आप देख रहे हैं व्यूअर्स हमारा यूट्यूब चैनल व्लॉगर की दुनिया। तो आज हम लोग जा रहे हैं एक डैम में, गर्मी बहुत है, ठीक है, नहाने का दिल भी कर रहा है, और सैफ भाई ने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। किस चीज़ का जी? जो आज हम पार्टी करेंगे इंशाल्लाह, कढ़ाई का पार्टी पार्टी। तो आज इंशाल्लाह हम आज जा रहे हैं संडे मार डैम, तो ये 20 तारह के पास है, तो वहाँ चलते हैं। आपको रास्ते का व्यू भी करवाते हैं, करीब ही है जी, तो हम आपको रास्ते का व्यू करवाते हैं, रास्ते का दिखाते हुए जाते हैं, रास्ते का सारा व्यू आपको करवाएंगे, और वहाँ जाके सारा व्यू आपको दिखाएंगे, नहाएंगे भी, मज़े लेंगे, कढ़ाई वगैरह बनाएंगे, सारा सीन करेंगे, डन करेंगे। तो व्यूअर आज का हम अपना व्लॉग करते हैं, चले हम आपको हमेशा की तरह हमारे व्लॉग में जो होता है पहले सलाम दुआ, उसके बाद रास्ते के व्यू। तो हम अपने रास्ते का व्यू शुरू करते हैं, आपको सारा रास्ते का व्यू करवाते हैं। अली बड़ा चीखा आ रहा है। हाँ जी व्यूअर्स, तो हम लोग अब पहुँच चुके हैं पेट्रोल पंप PSO वाले में, तो यहाँ से अब सैफ भाई टैंकी फुल करवा रहे हैं अपने बाइक की, देखते हैं कितने भरवाते हैं ये लोग। तो फिर हम लोग यहाँ से चलते हैं आगे डैम को, सारा आपको रास्ते का व्यू भी करवाएंगे, और वहाँ जाके फिर पहुँच के सारे वहाँ के मज़े भी दिखाएंगे आपको। हाँ जी व्यूअर्स, तो ये हम लोग पहुँच चुके मेन गेट पे, मरगला व्यू सेक्टर 17। ये आप देख रहे हैं सामने मरगला, ये डी सेक्टर लिखा हुआ। हाँ जी, तो यहाँ से आप जाना सीधा सामने, वहाँ से आगे जाके फिर डैम आ जाएगा टाइम के बाद। हाँ जी, तो ये जा रहे हमारे साथ ये गरीब लोग भी, ये सारे देख सकते हैं आप, ये हमारे शहजादे भाई, ये हमारे सारे दोस्त हैं, ये सामने पीछे मेरा कजन, वही बात है अली, कौन सा ठीक है। हाँ जी व्यूअर्स, तो पहुँच चुके हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है, और हमारे मोटरसाइकिल को भी गर्मी लगी है, तो यार मोटरसाइकिल लगा दूँ। हाँ जी, ये आपने नजर लगा दी है, पंचर हो गया बिल्कुल, और बहुत बहुत खतरनाक तरीके से हम लोग गिरने वाले थे, पर बचत हो गया, ये शापर गरीब हमारे पास वापस आ गया, गरीब ही काम आते हैं, अमीर कोई काम नहीं आता। हाँ जी व्यूअर्स, तो देख सकते हैं हमारा हाथ, बाइक ने भी हमें जवाब दे दिया, कहता हम भी मैं भी तुम्हारे साथ नहीं हूँ, धोखा दे दिया बिल्कुल ही, हमें और भी बहुत से लोग छोड़ के चले गए, पर आज हमारा बाइक जो हमारा शेर था, हमारी मदद करता था आगे पीछे जाने के लिए, आज इसने भी हमें धोखा दे दिया, आज पता चल गया सैफ मैं तेरा तू मेरा और कोई नहीं हमारा, और कोई नहीं है, ये बाइक भी अलग है हमारा नहीं है, बिल्कुल सही है, पेट्रोल वगैरह हमने डालना है, पर फिर भी ये हमारा नहीं है, ऐसे बाइक को हम क्या कहते हैं, दूर फिटे मुंह मुंह। हाँ जी व्यूअर्स, ये पसीना आप देख ही सकते हैं, और आखिरकार हम लोग पहुँच भी चुके हैं पंचर वाली दुकान पे, वो सामने है, तो बहुत बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, अब जाते साथ ना मैंने पहला काम ये करना है कि जाते साथ पहले छलांग लगानी है ना लैब में, फिर कोई सुकून आएगा, कोई आराम आएगा। हाँ जी, तो ये सामने है जी दुकान, ये सामने जहाँ ये गाड़ी आगे रुकी है ना, यहीं इसी जगह पे दुकान है, यहाँ से अब हम लोग पंचर लगवाते हैं, फिर जाते हैं डैम को, सारा व्यू आपको दिखाते हैं वहाँ का, ये जी सारा व्यू। हाँ जी व्यूअर्स, वो बैठे हुए हम लोग पंचर लगवाने के लिए, और गर्मी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ से हम लोगों ने कहा किसी को पानी नहीं दिया, पानी हमने कहा ठंडा पानी चाहिए, ठंडा क्या नॉर्मल भी किसी ने नहीं दिया, ऐसी ये सोसाइटी है, पंचर लगवाने ही नहीं है यहाँ पे बिल्कुल पीने के लिए, आप पंचर लगवाने हैं इस वजह से, मैंने कहा कि पानी तो ये कहता है कि यहाँ पे तो नहीं है, इसकी शॉप ये है सामने, ठीक है, इसने कहा यहाँ पे पानी नहीं है, कहता है रूम में यहाँ पे पानी नहीं है, और इसके अलावा गर्मी बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है। चले ये भी आए ना इससे पूछते हैं गर्मी कैसी है, ये फिर बताता है कैसी गर्मी है, हमें तो बहुत ज़्यादा ही लग रही है, बारिश वगैरह भी कोई सीन नहीं है बारिश वगैरह का, देखते हैं डैम जाते हैं वहाँ बारिश करेंगे। हाँ जी व्यूअर्स, ये हम लोग पहुँचे हुए हैं, ठीक है, पंचर लगवा रहे हैं, तो ये अभी हमें झटका लग गया, कहते हैं कि बिल्कुल ट्यूब फारिग हो गई है, और दूसरा गर्मी पूछ रहे थे, बताएं भाई गर्मी कैसी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, दूसरा एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा, जैसा कि अभी आपको भाई ने बताया, और दूसरा झटका आपको हमने बता ही दिया, दिखा भी दिया, जो हमें झटका लगा दूसरा ट्यूब का, और स्पेशली सैफ भाई को लगा, इनका शेर है,
दूसरा बड़ा शेर तो घर है, ये छोटा शेर आया, ये शेर नहीं समझ लें, ये आई भी हमारे साथ, तो वो शेर घर पे है, वो तो है भी काम का, पर ये अभी हमें झटका लगा ट्यूब का, तो अब ट्यूब चेंज करवा रहे हैं। 550 की ट्यूब है पैंथर वाली, तो ट्यूब चेंज करवाते हैं, इसके बाद चलते हैं डैम की तरफ। तो फाइनली गाइस हमारी ये ट्यूब डाल चुकी है, तो शुक्र है हमारी ये ट्यूब डाल चुकी है। तो भाई से अभी पैसों का कहते हैं, पैसे देते हैं उनको, तो ये देखें वो चेक कर रहे हैं टायर को, हवा बार रहे हैं, पूरी कर रहे हैं। तो गर्मी भी बहुत है, तो अभी हम चलते हैं ऊपर डैम पे, और हरारत देखें ना पसीने से भर गया है, बहुत गर्मी है, हालत इसकी इस तरह हो गई है जिस तरह गधा होता है। तो जाते हैं ऊपर जाके फिर नहाते भी हैं ज़रा, तो ऊपर जाके मारते हैं, एंजॉय करते हैं ऊपर जाके आपसे। हाँ जी व्यूअर्स, तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं डैम पे, ये सामने आप देख सकते हैं सारा, बस ये तो आपने देख लिया, बस हमारी डुबकी लगानी देखनी बाकी है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। कहाँ बैठे हुए ऐसे? हाँ जी व्यूअर्स, तो ये सामने आप देख सकते हैं ये सारा डैम है, ये सारा वो वहाँ से आ रहा है पानी, वो सामने उसी जगह से, और ये सारे आप लगे हुए हैं गोश की सफाई में, साफ कर रहे हैं सारा, ये देख सकते हैं मेरा भाई निक्का जी, ये लगे हुए हैं गोश को साफ करते हैं। क्यों साहब भाई, मज़ा आ रहा है? पार्टी करेंगे ना आज इंशाल्लाह। सुबह सर पार्टी हमारे साथ बड़े लंगरी साहब भी आए हुए हैं। और ये हसन भाई एंजॉय हो रहा है? अली साहब कैसा मज़ा? मज़ा मज़ा बिल्कुल जी। अब ये गोश की सफाई करके ना फिर इसको बनाते हैं, इसके बाद हमारे राजा साहब आ रहे हैं, उनका विजिट आपको करवाते हैं, व्यू करवाते हैं उनका। राजा साहब कैसे हैं हमारे? साइबेरियन हस्की, आपको क्या पता है, आप असलाबाद से हैं क्या जी? दस होना है ना जी? बिल्कुल जी, हाँ जी, वहाँ पे सफेद होते हैं, यहाँ पे मिक्स कलर होता है, गर्मी भी होती है, पानी भी होता है। जर्मन शेफर्ड भी बैठा हुआ है, हमने कढ़ाई उसको भी थोड़ी खिलानी है, वो सामने हमें देख रहा है। नहीं आस्ता आस्ता रेडे आ रहे हैं, आस्ता आस्ता आ रहे हैं, खुशबू जा रही है आस्ता आस्ता। तो ये हमारे एक भाई पीछे रह गए थे, वो आ रहे हैं, वो सामने देख रहे हैं। इनको नान का कहा था, नान तो ले हैं। वो है राजा जी, राजा जी आ गए, राजा जी बोतलें क्यों नहीं लेके आए? बोतलें किधर है राजा भाई? अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, पहले बताएं बोतलें क्यों है सर? मुझे इन्होंने नान का बोला था, मैंने बोतलों का भी कहा था, सुनाया कैसे? ये क्या है यार, ये क्या हरकत है यार जी? मैंने आपको बोतलों का कहा था, याद नहीं मुझे आपने नान का बोला? चलो कोई नहीं, जाता हूं फिलहाल, चलो हां ले आएंगे, चलो ठीक हो गया। ये जी हमारे राजा साहब, इधर दिखाएं यार राजा साहब, ये जी राजा साहब। ओ यार ये राजा साहब को खाली नहीं दिखाना ना, पीछे भी है ना, और ये देखें वो हमारे शायद भी लगे हैं सामने। हेलो एवरीवन, ये तुर्की से हमने मंगवाए, किसी हमने बनाए बुलाए नहीं मंगवाए, वही ना वही तुर्की से आए हैं। तो क्या तैयार कर रहे हैं हम इनसे पूछते हैं जी? तो काम चालू है बिल्कुल, राजा साहब नीचे से लकड़ियां ठीक करते हुए आए, चमचे लाने के तरीके चेक करें। ओ ये हमारे शेफ है ना, बहुत दूर से। बिल्कुल जी साहब भाई, आप अपना मुंह बंद करें ना, आप अपना काम करें जरा। यार जी मैं बता रहा हूँ ना, हम दूर से लेके आए इनको, बहुत बहुत सही हो, मिलते की है इनकी, किसी को चाहिए हो ना ऐसा शेफ बताइएगा, नंबर हम दे देंगे। हाँ जी व्यूअर्स, तो गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा पसीना, हद से ज्यादा, और यहाँ पे ना मछलियाँ ना बिल्कुल बाहर पानी से बाहर निकल के मरी हुई है, वो मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ, पर गर्मी बहुत ज्यादा है। और ये साथ मेरे आए एहसन भाई और सैफ, वहाँ पे वो वहाँ पीछे खाना पकाई वाली जगह पे है, तो यहाँ से मैं आपको बैक कैमरा करके सारा डैम का व्यू करवाता हूँ, और सारा ये मछली वगैरह दिखाता हूँ जो मरी हुई है, और जो पानी में भी ना उछल रही है, या तो फिर पानी गंदा है या फिर गर्म है, इस वजह से उछल रही है, बिल्कुल तड़प नहीं, जैसे तड़प रहे होते हैं ना वैसे तड़प रही। हाँ जी व्यूअर्स, तो ये सामने आप देख सकते हैं सारा डैम का व्यू है, ये सारा जी डैम का व्यू है, ये आप देख सकते हैं, ये जी मछली नंबर वन, इसके बाद आगे भी होंगी, ये जी ये पड़ी हुई है, ये आप देख सकते हैं, ये गर्मी की वजह से पानी से, ये पिछले दिनों बारिश हुई थी ना शायद, ये ऊपर आ गई, फिर वापस जाने का रास्ता नहीं मिला या जो भी सीन है ना, ऐसे बहुत ज़्यादा मछली है यहाँ पे, स्मेल भी काफ़ी है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं ये भी मछली है, उसके अलावा दो ये देखें, ये एक छोटा बच्चा भी है साथ, ये काफ़ी ज़्यादा है। और ये सामने अगर आपको ये कैमरा दिखा सके तो ये उछल भी रही है पानी में, आवाज़ बिल्कुल आ रही है, जैसे पत्थर कोई फेंके ना पानी में आवाज़ आती है, ऐसे सारी आवाज़ आ रही है, ये सारा सामने मैं आपको आगे और चल के दिखाता हूँ, अगर ये कैमरा दिखा सके, ये जो मछलियाँ उछल रही हैं पानी में, ये भी देख सकते हैं आप, ये मछली, ये और काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, ये सामने ये सारी मछलियाँ उछल रही हैं,
हाँ जी व्यवस्था, अब हम लोग चलते हैं वो सामने जहाँ हमारी खाना पकाई लगी हुई है, खाने का सारा सीन हुआ हुआ है। वो सामने अली बैठा हुआ है, किसी को गर्मी भी होता है, आई भी उसने अपनी कमीज उतार दी है, आई थिंक ये सुबहान ही है। तो अब हम लोग चलते हैं वहाँ पे वापस, गर्मी बहुत ज़्यादा है, अभी तक नहाए नहीं हम लोग, नहाएंगे वहाँ उधर किसी सामने वाली जगह पे, क्योंकि यहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा है, अगर यहाँ पे ना नहाए तो फिर कहीं और जाके नहाएंगे, पर जाएंगे लाजमी आज। तो चलते हैं अब हम लोग वहाँ पे वापस और आपको दिखाते हैं कि कहाँ तक पहुँच चुका है सारा सिस्टम, कहाँ तक सालन बन गया कि नहीं बन गया। बाकी सैफ भाई और जैन भाई गए हुए हैं बोतलें वगैरह लेने, इसके अलावा वो जगह देखने गए हैं, वो सामने जा रहे हैं वो बाइक पे, वो आप देख सकते हैं वो सामने जा रहे हैं, वो इस तरफ का विज़िट करने, यहाँ पे कोई जगह है जहाँ छाँव हो तो इस जगह के लिए। हाँ जी व्यूअर्स, तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ पे आपको पहले ही बताया था स्मेल वगैरह बहुत ज़्यादा है इस जगह पे, तो अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं दूसरी किसी जगह पे, देखते हैं कोई लोकेशन देखते हैं कोई अच्छी सी जगह जहाँ छाँव वगैरह हो, तो वहाँ जाके ना वहाँ खाने वगैरह प्रोग्राम करते हैं, वो फिर आपको दिखाते हैं। ये देख लें पीछे मस्ती करते हुए, चलो ठीक है अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे, वहाँ जाके मिलते हैं। हाँ जी व्यूअर्स, हम लोग पहुँच चुके हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे, जहाँ का मैंने आपको बताया था जाके खाना वगैरह खाएंगे, वो सामने सुभान साहब खाना वगैरह डाल रहे हैं, बड़ा प्यारा ही बना है हमारा खाना आज का, जो हमारा ये आया हुआ था ना बनाने वाला शेफ, बड़े मजे का इसने बनाया, और बगैर ले गया सलाद के बगैर खाने का कोई मजा नहीं है बिल्कुल जी। और अली अली जी एंजॉय हो रहा है, और मनी इधर देखा आगे। और एक बात मैं बताऊँ, हम सब तो इतना खा नहीं सकते, हमारे साथ ये खाने वाला बैठा हुआ है, ये देखिएगा ये सारा खा के जाएगा, सारा खा के जाएगा, इसने सारा कुछ खत्म करना है। हाँ जी व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा व्लॉग हो जाता है डन, आज हम लोग आए संडे मार डैम, ठीक है ना, वहाँ पे हमारे साथ एक शेफ भी आए हुए थे, ये सुबह 1000 रुपया दिहाड़ दी है, ये 1200 मांग रहा था पर हमने इसे दिया 1000 रुपए, क्यों नमक की कमी की वजह से 1000 रुपए बने, तो इसने मिर्चें भी ज्यादा काट दी थी, पहली दफा बनाया था भैया आपने, ये खा के सारे नखरे कर रहे हैं, सारों को मजा आया, देखे प्लेटें सारी साफ कर दी है, बिल्कुल जी ये इसमें कोई शक नहीं है प्लेटें सारी साफ हो गई है। तो व्यूअर्स अब हम मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।